आज के इस दौर में बाजार में हर चीज नकली उपलब्ध है। नकली ऊंट बीड़ी बेचने के आरोप में बुलढाणा आर्थिक अपराध शाखा ने गोंदिया के नामी व्यवसायी सुनील उर्फ जिम्मी जनकराज गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिससे नकली बीड़ी के कारोबार में लिप्त व्यवसायिकों में खलबली मची हुई है। नकली बीड़िया केवल बुलढाणा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बेची जा रही है। बुलढाणा जिले में नकली ऊंट बीड़ी बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद ऊंट बीड़ी कंपनी के मैनेजर शरद लोटन पाटिल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सखराखेड़ा पुलिस स्टेशन में विविध धाराओं के तहत 4 नवंबर 2019 को मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन एसपी डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल के आदेश पर इस मामले की जांच बुलढाणा आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। पुलिस ने नकली बीड़ी बेचने वाले आरोपी सागर शिंदे, ज्ञानेश्वर चेके तथा रविंद्र टाले को गिरफ्तार कर उनके पास से नकली ऊंट बीड़ी का माल जब्त किया गया था। पुलिस को जांच में पता चला है कि नकली ऊंट बीड़ी गोंदिया से लाई गई है। इस नकली बीड़ी का मुख्य सूत्रधार सुनील उर्फ जिम्मी जनकराज गुप्ता, उम्र 48 साल, बालाघाट रोड गोंदिया निवासी होने की बात सामने आने पर पुलिस ने जिम्मी को भी आरोपी बनाया। आरोपी जिम्मी ने मेहकर कोर्ट से अटक पूर्व सशर्त जमानत ली, किंतु आरोपी जिम्मी ने कोर्ट की शर्तों का पालन नहीं किया और न ही पुलिस को जांच कार्य में मदद की, इसलिए नागपुर उच्च न्यायालय ने आरोपी जिम्मी की जमानत को रद्द कर दिया। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी जिम्मी संपूर्ण गोंदिया जिले में अच्छे रसूख वाला है तथा उसने पुलिस पर भी राजकीय दबाव बनाया था, किंतु बुलढाणा आर्थिक अपराध ब्रांच ने आरोपी जिम्मी को 27 जनवरी को बुलढाणा एसपी अरविंद चावरिया के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बुलढाणा जिले के कुछ थानों में इसी प्रकार के नकली बीड़ी बेचे जाने का अपराध दर्ज है। उन मामलों में गोंदिया के जिम्मी को आरोपी बनाए जाने की जानकारी अपराध शाखा के प्रमुख राजेंद्र पाटिल ने दी है। बुलढाणा जिल्ह्यातील साखरखेडा पोस्ट येथे नोव्हेंबर 19 मध्ये नकली ऊंट बीड़ी तैयार करने या संदर्भात गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये आपण इतर 3 आरोपी व मुख्य आरोपी जो है सुनील उर्फ जिम्मी जनकराव गुप्ता व 38 राहणार बालाघाट रोड गोंदिया या 27/1/21 रोजी 14:12 अटक केली आहे व त्याचा सध्या 3 दिवस PCR घेतला आहे। त्या संदर्भात आपली चौकशी चालू आहे। सदर आरोपी हा मुख्य असल्याने व त्याने इतर अजून अशाच प्रकारचे किती गुन्हे केले याबाबत देखील शोध घेत आहोत व सदर गुन्ह्याची आपण सविस्तर चौकशी करून नंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करणार आहोत। जिल्ह्यात अजून काही अनेक ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे अशाच प्रकारचा, त्यात सुद्धा आपण याला आरोपी करणार आहोत। किनगावराजा पोस्टेलला गुन्हा दाखल आहे, त्याला आपण आरोपी करणार आहे। नंतर मग इतर गुन्ह्यात नंतर समजेल तो होणार किंवा नाही, त्यापर्यंत आपण काही सांगू शकत नाही, पण रॅकेट मोठं येते त्या दृष्टीने आपण तपास करीत आहोत। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कासिम शेख, बुलढाणा।